हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में आपको मैं 100 सीसी से लेकर 110 सीसी तक कुछ ऐसे पांच बेस्ट स्कूटर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि BS6 कंप्लाइंट वाला भी होगा और ये स्कूटर आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। इसके अलावा इस स्कूटर में आपको अच्छी माइलेज भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ ये स्कूटर आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देगी। इस लिस्ट में 125 सीसी स्कूटर शामिल नहीं है, तो अगर आप 125 सीसी स्कूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में मैंने नंबर 5 पर TVS स्कूटी पे प्लस को रखा है। इसके अलावा आप TVS जेस्ट को भी ले सकते हैं। ये दोनों सेम सेगमेंट के बाइक हैं, दोनों में आपको सेम इंजन मिल जाएगा। ये दोनों स्कूटर काफी आपको सिमिलर भी दिखने में लगेगा। तो यहाँ पे हम TVS स्कूटी पे प्लस की बात करते हैं, तो ये आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। इस स्कूटर में 87.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्टॉक फ्यूल इंजेक्शन एयर कूल्ड ETFI टेक्नोलॉजी के साथ इंजन दिया गया है, जो कि 4 किलोवाट का पावर और 6.5 NM का टॉर्च जनरेट करता है। इसमें आपको 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, जिसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक लगा हुआ मिलेगा। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है, पास स्विच मिलता है, लगेज हुक मिलता है, USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा जो कि ऑप्शनल है, और साइड स्टैंड अलार्म भी मिलता है जो कि ऑप्शनल दिया गया है, और इसमें आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अगर इस स्कूटर के माइलेज की बात करें तो ये आपको 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm, सीट हाइट 760 mm, फ्यूल टैंक की 4.2 लीटर और इसका कर्व वेट 93 kg है। तो ये स्कूटर गर्ल्स के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि इस स्कूटर का वेट काफी कम है, जिसको कोई भी गर्ल आसानी से हैंडल कर सकती है। हालांकि इस स्कूटर को बॉय चलाना पसंद नहीं करते हैं। अगर इस स्कूटर के प्राइस की बात करें तो ये आपको काफी अलग अलग वेरिएंट मिल जाता है। तो इस स्कूटर का एक्स शोरूम प्राइस 52,554 रुपीस से लेकर 53,754 रुपीस तक है। अगर इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो स्कूटर आपको 63,000 रुपीस से लेकर 64,000 रुपीस तक, यानी कि 63,000 रुपए से लेकर 64,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। तो ये स्कूटर उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, जिनकी हाइट भी थोड़ी सी कम है और जो थोड़ी सी हल्की स्कूटर चलाना पसंद करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर मैंने होंडा डियो को रखा है। लगाने वाला डियो नहीं, बल्कि चलाने वाला डियो की बात कर रहे हैं। तो ये स्कूटर आपको दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और डिलक्स में मिलता है, जिसमें आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिलेंगे। ये 110 सीसी सेगमेंट का स्कूटर है, जिसमें 109.51 सीसी का फैन कूल्ड फोर स्टॉक BS6 कंप्लायंट प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जो कि 5.71 किलोवाट का पावर और 9 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर के फ्रंट में आपको 12 इंच और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, जिसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको ड्रम ब्रेक लगा हुआ मिलेगा। इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसके हेडलैम्प में आपको LED लाइट मिलेगा, नए डिजाइन का आपको LED पोजीशन लैंप मिलेगा, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें रियल टाइम माइलेज, स्पीड और ट्रैक अपडेट जैसे काफी इंफॉर्मेशन इसमें शो होते हैं। इसमें आपको फ्रंट में पॉकेट मिलता है, जहां पे आप एक बोतल को रख सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल फ्यूल लीड दिया गया है, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिलता है, स्प्लिट ग्रैब रेल दिया गया है, स्टाइलिश मफलर मिलता है और पास स्विच जैसे काफी फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस स्कूटर के माइलेज की बात करें तो ये आपको 55 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। इस स्कूटर में आपको अच्छी कलर और अच्छी डिजाइन भी देखने को मिल जाती है, जिसको बॉयज और गर्ल्स दोनों चला सकते हैं। अगर इस स्कूटर के प्राइस की बात करें तो होंडा डियो BS6 का एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट का 61,497 रुपीज, यानी कि 61,497 रुपए है। तो इसके डिलक्स वेरिएंट का प्राइस 64,847 रुपीज, यानी कि 64,847 रुपए है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट 71,700 रुपीज, यानी कि 71,700 रुपए तक मिल जाएगा। तो इसका डिलक्स वेरिएंट 75,300 रुपीज, यानी कि 75,300 रुपए तक मिल जाएगा। ये स्कूटर जब से BS6 में अपडेट हुई है, लगातार तीसरी बार इस स्कूटर के प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। तो इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर और इसका कर्व वेट 105 kg है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर हीरो प्लीजर प्लस BS6 को रखा है। ये स्कूटर काफी स्टाइलिश लुक और अच्छे कलर के साथ मिल जाती है। इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये 110 सीसी सेगमेंट का स्कूटर है, जिसमें 110.9 सीसी का एयर कूल्ड फोर स्टॉक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जो कि 6 किलोवाट का पावर और 8.7 NM का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर के फ्रंट और रियर में आपको 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, जिसके फ्रंट और रियर में आपको ड्रम ब्रेक लगा हुआ मिलेगा। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसके हेडलैम्प में आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा, एनालॉग मीटर मिलता है, इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है और यूटिलिटी बॉक्स मिलता है, जहाँ पे आपको सामानों को रख सकते हैं। इसमें इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और इसके बूट स्टोरेज में आपको LED लाइट भी मिल जाएगा। तो ये स्कूटर आपको आराम से 50 से लेकर 55 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm है, सीट हाइट 760 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 4.8 लीटर और इसका कर्व वेट 104 kg है, जो कि होंडा डियो से थोड़ी सी हल्की है।
अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो हीरो प्लीजर प्लस BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस सेल्फ स्टार्ट सीट विट वेरिएंट का 55,600 रुपीज यानी कि 55,600 रुपए है, तो वहीं इसके अलाउंस वेरिएंट का 57,600 रुपीज यानी कि 57,600 रुपए तक है। अगर इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको 64,600 रुपीज से लेकर 66,700 रुपीज तक मिल जाएगा। ये स्कूटर भी जब से BS6 में अपडेट हुई है इसका भी प्राइस ये दूसरी बार बढ़ गया है। इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर TVS जुपिटर BS6 को रखा है। ये आपको तीन वेरिएंट में मिलेगा जिसमें बेस वेरिएंट, ZX वेरिएंट और क्लासिक वेरिएंट शामिल है। इसके बेस वेरिएंट में आपको टोटल 8 कलर ऑप्शन मिलेंगे, तो इसके क्लासिक वेरिएंट में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में इसके केवल बेस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, हालांकि प्राइस इसके मैं तीनों वेरिएंट का बताऊंगा। ये स्कूटर 110cc सेगमेंट का स्कूटर है जिसमें 109.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 कंप्लायंट इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जो कि इसका ये इंजन 5,005 किलोवाट का पावर और 8.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर के फ्रंट और रियर में आपको 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा जिसके फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसके हेडलैम्प में आपको LED लाइट और टेल लैम्प में भी LED लाइट मिलेगा। इस स्कूटर में इको मोड पावर मोड दिया गया है, इसमें आपको लार्ज अंडर सीट स्टोरेज मिलती है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, फ्रंट में ग्लोव बॉक्स भी मिलता है, इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलेगा, इसमें अलाउंस भी आपको मिलेंगे, लगेज हुक मिलेगा, एल्यूमिनियम फुट पैड मिलेगा और इसमें आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अगर इस बाइक के माइलेज की बात करें तो ये आपको हाईवे पर 61 KMPL तक, तो वहीं सिटी में 51.6 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm है, सैडल हाइट 765 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5 लीटर की है और इसका कर वेट 109 kg है। तो वहीं अब इस स्कूटर के प्राइस की बात करें तो TVS जुपिटर BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके बेसिक वेरिएंट का 62,062 रुपीज यानी कि 62,062 रुपए है। इसके ZX वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 64,062 रुपीज यानी कि 64,062 रुपए है, तो इसके क्लासिक वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 68,562 रुपीज है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट 74,380 रुपीज यानी कि 74,380 रुपए तक मिल जाएगा, तो इसके ZX वेरिएंट 76,570 रुपीज यानी कि 76,570 रुपए तक मिल जाएगा, तो इसका क्लासिक वेरिएंट 81,800 रुपीज यानी कि 81,800 रुपए तक मिल जाएगा। TVS जुपिटर इंडिया में हर महीने दूसरे नंबर पर बेची जाने वाली स्कूटर है। इस स्कूटर को इंडिया में काफी सारा प्यार मिलता है और ये स्कूटर इंडिया में होंडा एक्टिवा को टक्कर देती है। इस लिस्ट में मैंने पहले नंबर पर होंडा एक्टिवा 6G को रखा है। ये 110cc सेगमेंट का स्कूटर है, इसमें आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिलेंगे। इस स्कूटर में 109.5cc का फैन कूल्ड 4-स्ट्रोक SI BS6 कंप्लायंट प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। इस स्कूटर के फ्रंट में आपको 12 इंच और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा, हालांकि इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें सेफ्टी के लिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके हेडलैम्प में LED लाइट लगा हुआ है इसके डीलक्स वेरिएंट में, हालांकि इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में हैलोजन बल्ब दिया गया है। इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट विद ACG मोटर मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच भी दिया गया है, मल्टी फंक्शन की स्विच दिया गया है, यहीं से आप इस स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, सीट को ओपन कर सकते हैं और फ्यूल फिल को भी यहीं से ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको 18 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, इसमें एक्सटर्नल फ्यूल लीड दिया गया है, इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है, लगेज हुक दिया गया है, पास स्विच दिया गया है और इस स्कूटर का ज्यादातर पार्ट मेटल का बना हुआ है। अगर इस स्कूटर के माइलेज की बात करें तो ये आपको 52 से 55 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 171 mm, सीट हाइट 765 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.3 लीटर और इसका कर वेट 107 kg है जो कि जुपिटर से 2 kg हल्की है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो होंडा एक्टिवा BS6 आपको दो वेरिएंट में मिलेगा। तो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 65,419 रुपीज यानी कि 65,419 रुपए है, तो इसके डीलक्स वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 66,919 रुपीज यानी कि 66,919 रुपए है। इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट 76,000 रुपीज तक यानी कि 76,000 रुपए तक मिल सकता है, तो इसका डीलक्स वेरिएंट 77,600 रुपीज यानी कि 77,600 रुपए तक मिल जाएगा। ये स्कूटर जब से BS6 में अपडेट हुई है इसके भी प्राइस में बढ़ोतरी देखी गई है। इस स्कूटर को इंडिया में हर महीने सबसे ज्यादा खरीदा जाता है और इंडिया में इस स्कूटर का काफी ज्यादा क्रेज है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 बेस्ट BS6 स्कूटर के बारे में बता दिया है जो कि 100 से लेकर 110cc सेगमेंट में आती है। वैसे तो इंडिया में इसके अलावा भी कई सारे स्कूटर्स हैं जो इस सेगमेंट में आती है, लेकिन उन स्कूटर्स में से मैंने 5 को अपने अकॉर्डिंग लिस्ट किया है। हो सकता है ये स्कूटर आपको पसंद आए और इनमें से आपको ये खरीदना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, इस 5 स्कूटर में से आपको कौन अच्छा लगा और आप कौन सा खरीदना चाहते हैं या फिर इनमें से आपके पास कौन सा अवेलेबल है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर या फिर नंबर 5 पे जो स्कूटर है इसके नंबर पे आप ना जाइएगा। ये 5 स्कूटर काफी अच्छे हैं। इन सभी स्कूटर्स का प्राइस अलग अलग है, तो जिसका जो भी बजट होगा वो अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। इन सभी स्कूटर्स में अलग अलग फीचर्स भी दिए गए हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस भी थोड़ा सा अलग अलग है। इसके अलावा इनके लुक्स में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इन सभी में आपको अच्छे अच्छे कलर्स भी मिल रहे हैं, अच्छे ग्राफिक्स के साथ मिल रहे हैं,
तो जो भी आपको पसंद आए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस वीडियो में इन स्कूटर्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में एकदम जानकारी नहीं दिया, केवल ओवरव्यू दिया है, इनके प्राइस के बारे में बताया। अगर आप एक स्कूटर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप किन्हीं दो स्कूटर्स के बीच में कंफ्यूज भी हो कि कौन सी लेनी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपको कौन सी स्कूटर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।